हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले जीएससी सीएल जेई 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया, उसके रिगार्डिंग में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीएससी सीएल जेई 2024 का जो रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर और विद्युत सहायक की वैकेंसी है। टोटल 28 पोस्ट है गुजरात के लोकेशन के लिए। 14 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन आउट किया फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए। एप्लीकेशन का जो मोड है ऑनलाइन मोड है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 27 मार्च 2024 को ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.gscl.in। GSCCL का जो रिक्रूटमेंट की बात करें तो 27 मार्च 2024 इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2024। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको बी बीटेक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट से आप इजिली कर सकते हो। विद्युत सहायक के लिए आपको सिंपली बी बीटेक करना पड़ेगा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आपका मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए इन 7th and 8th सेमेस्टर विदाउट एनी बैकलॉग। आपका जो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं तो यूनिवर्सिटी से आप इजिली कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको बी बीटेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। आप नहीं तो फिर आप कर सकते हो बी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल की बात करें तो बी बीटेक करना पड़ेगा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। आपको मिनिमम आपके 55% मार्क्स आने चाहिए इन 7th and 8th सेमेस्टर विदाउट एनी बैकलॉग। अगर आप विद्युत सहायक की वैकेंसी की बात करें फुल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की, तो आपको बी बीटेक में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग नहीं तो कंट्रोल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं तो इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। मिनिमम आपके 55% मार्क्स आने चाहिए इन द 7th and 8th सेमेस्टर विदाउट एनी बैकलॉग। नहीं तो आपको बी बीटेक करना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट बाई ये बी बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम अप टू 45 ईयर्स है। वैकेंसी की बात करें तो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 10, मैकेनिकल की 10, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की 8, टोटल 28 वैकेंसी आउट किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 टीयर होगा। पहला जो टीयर होने वाला है वो सीबीटी एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। पीडब्ल्यूडी को मिनिमम आपको 45 मार्क्स लाने पड़ते हैं 1:5 के बेस पर। टीयर 2 होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, उसके अंदर टोटल 100 मार्क्स का होता है। जो टीयर 1 क्वालिफाई करता है वो टीयर 2 का एग्जाम के लिए क्वालिफाई करता है। आपको टीयर 2 के एग्जाम में आपको सिलेबस होते हैं पढ़ने पड़ेंगे, जैसे जनरल नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज, गुजराती लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल, इंडियन, नेशनल मूवमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल पॉलिसी, इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स साइंस एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो सिनोनिम, पैसेज कंप्लीशन, एरर करेक्शन, अंडरलाइन पार्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडम फ्रेसेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर करेक्शन इन बोल्ड, सब्स्टिट्यूशन, जॉइनिंग सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पेलिंग टेस्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, पेरे कंप्लीशन, स्पॉटिंग एरर्स, जनरल इंग्लिश, एंटोनिम, ट्रांसफॉर्मेशन। गुजराती लैंग्वेज में फ्रेस, मुहावरा, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एरर डिटेक्शन, प्लूरल, ग्रामर, कंप्रेंशन, एंटोनिम, वोकैब, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस। कंप्यूटर लैंग्वेज में डेटाबेस, MS Office Application, Window Opening System, Programming Language, Keyword Shortcuts, MS Word। Electrical Engineering के टॉपिक है Engineering Maths, Electric Circuit, Electromagnetic Fields, Signal and Systems, Electrical Machines, Power System, Control System, Electrical and Electronic Measurement, Analog and Digital Electronics, Power Electronics। Mechanical Engineering के टॉपिक है Applied Mechanics and Design, Fluid Mechanics and Thermal Science, Manufacturing and Industrial Engineering, etc. इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स है वह इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो कंसर्न सब्जेक्ट में से 60% 60 मार्क्स, जीके में से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन, गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर 10 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है।
सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको फर्स्ट ईयर आफ्टर सिलेक्शन 48,100, सेकंड ईयर 50,700, आफ्टर रेगुलर जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट आपका मिलेगा 45,400 टू 1,01,200। इसके साथ आपको आपको अलाउंस भी देखने को मिलता है। अगर इसके रिगार्डिंग हो कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।